सोलन शहर में लगने वाले बिजली के अघोषित कटों से आम जनता बेहद परेशान है। एक माह में विभिन्न स्थानों पर कई जगह पूरे पूरे दिन के कट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि शहर में बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो, लेकिन उसके बावजूद भी सोलन शहर में रोज थोड़ी थोड़ी देर बाद कट लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जहाँ एक और शहरवासियों की दिनचर्या खराब हो रही है तो वहीं व्यवसाय भी चौपट हो चला है। सोलन शहर में लगने वाली बिजली के अघोषित कटों से आमजन बेहद परेशान है। एक माह में विभिन्न स्थानों पर कई जगह पूरे पूरे दिन भी कट लग रहे हैं, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सोलन शहर का व्यापारी वर्ग पहले ही मंदी के दौर में है, ऊपर से व्यवसाय के समय में बिजली गुल रहने से रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। यही वजह है कि शहरवासियों में बिजली बोर्ड के प्रति भारी रोष पनप रहा है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन शहर में गांव की तरह अघोषित कट लग रहे हैं, जिसकी वजह से गृहिणियां घर में बच्चों को स्कूल भेजते वक्त कटों से परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर व्यवसायी जो कि बिजली पर आधारित कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका भी बिजली की आंख मिचौली की वजह से घर चलाना मुश्किल बन रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि सोलन जैसे शहर एक गाँव की तरह लगता है, जब यहाँ पर बार बार कट लगते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है कि हर थोड़ी देर के बाद, हर एक घंटे के बाद, हर दो घंटे के बाद कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है। ये लगभग पिछले दो या तीन महीने से लगातार हो रहा है। मैंने कई बार इसकी आवाज़ फेसबुक के जरिए भी उठाई है और मैं कहना चाहता हूँ बिजली विभाग को कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, आप पूरे हफ्ते का कट लगा दीजिए, पर उसके बाद कम से कम सोलन के व्यापारियों को ऐसी सुविधा दीजिए जो हमें कट से परेशानी ना हो और जो आम व्यापारी है वो अपना जो बिजनेस है उसे सुचारू रूप से कर सके। पर पता नहीं क्यों इतना सुस्त विभाग ये है कि ये क्या कर रहा है, समझ से बाहर है। लोग बहुत परेशान हैं, आजकल गर्मियों का समय है, सुबह सुबह लाइट चली जाती है, बच्चों को तैयार करना होता है, लोगों ने ऑफिस जाना होता है, सभी जनता बुरी तरीके से परेशान है। आजकल जो ये बिजली के कट लग रहे हैं, जो बिना बताए लग जाते हैं, इससे आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है, खासकर व्यापारियों को, क्योंकि बिल्कुल काम का टाइम होता है, कोई कस्टमर खड़ा होता है, एकदम लाइट चली जाती है, तो काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और पहले बताते भी नहीं है ताकि कोई अपना इंतज़ाम करके रखे, तो इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है। घरों पे भी ऐसे ही महिलाओं को बहुत परेशानी है, स्कूल सुबह बच्चों को जाते हुए बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पहले इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि पता चले कि भाई लाइट जानी है, ताकि समस्या थोड़ी हल हो सके। तो यही चाहते हैं कि बिजली विभाग अपनी कार्यप्रणाली सुधारे ताकि ये दिक्कत कम आए आम जनता को और सब कुछ आसानी से हो जाए। देखो जी, कट तो एक तो लग रहे हैं, अघोषित कट लग रहे हैं, जिसमें हमारे को पता ही नहीं लगता होता है कि कब बिजली जानी है। कभी ये सुबह कट मार देते हैं, जिस टाइम हमने शॉप्स में आना होता है या किसी ने ऑफिस जाना होता है उस टाइम कट मार देते हैं। कभी दोपहर के टाइम कट मार रहे हैं और कभी शाम के टाइम कट मार रहे हैं, जिस टाइम हमारी दुकानदारी का टाइम होता है उस टाइम हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे भी मेरी मोबाइल की शॉप है, रिपेयरिंग करने में बड़ा दिक्कत आती है, रिपेयरिंग करते करते लाइट चली जाती है तो बीच में हमारे को फ़ोन ही खराब हो जाता है, सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं तो वो ही खराब हो जाता है। कई समस्याएं आ रही हैं, जब सुबह उठते हैं तो उस टाइम भी हमारे पास अगर पानी गर्म करना है तो उसके लिए भी दिक्कत आती है, तो कई परेशानियां हो रही हैं। इन सरकार को चाहिए कि कम से कम हमारे को बता तो दे कि इससे इतने बजे तक कट लगना है, इनका जब दिल करता है तब कट मार देते हैं, तो हम बड़े परेशान हैं इस चीज़ से और हर दुकानदार इस चीज़ से परेशान है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस्ट्रो के साथ। नमस्कार।